साल अप्रैल के महीने में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश के कई हिस्सों में तो पारा 45 डिग्री के पास पहुंच गया है। मई में भी राहत के आसार नहीं दिख रहे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि मौसम विभाग को ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा। ऐसे में कोलकाता के रहने वाले एक शख्स ने राहगीरों को ठंडक दिलाने के लिए सड़क किनारे अस्थायी रूप से एक रेफ्रिजरेटर स्थापित कर दिया है। एक अलग तरह की पहल करने वाले शख्स का नाम तौसीफ रहमान है। तौसीफ ने अलीमुद्दीन स्ट्रीट की गली में 500 मिलीमीटर की 40 बोतल रखने वाले एक फ्रिज को स्थापित किया है ताकि लोग इसकी मदद से ठंडा पानी पी सके। तौसीफ पेशे से एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उनके फ्रिज से स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि इलाके से गुजरने वाला हर राहगीर पानी पी सकता है और उनके इस नेक काम की अब हर कोई तारीफ भी कर रहा है।